माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे रेल बजट पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी और मनोज सिन्हा जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जो ये रेल बजट किया है उनका मैं समर्थन करती हूँ। साथ में सीधी मेरे क्षेत्र की तरफ जाती हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बड़ौदा की सांसद होने के नाते आदरणीय रेल मंत्री जी को, रेल मंत्री जी के समक्ष वडोदरा लोकसभा के कुछ मंजूर पर लंबित, कुछ प्रस्तावित, कुछ नए रेल विकास के मुद्दे और मांग कर रखना चाहती हूँ। जैसे कि वडोदरा में पिछले 63 वर्षों से भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्यरत है, जहां माननीय मंत्री सुरेश प्रभु जी भी अभी एक महीने में ही आए थे। रेलवे मंत्रालय द्वारा रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि एक रेलवे यूनिवर्सिटी, हमारा बड़ौदा जो सांस्कृतिक नगरी है, शिक्षण नगरी है, तो एक यूनिवर्सिटी हमारे बड़ौदा में स्थापित किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बड़ौदा में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जन भागीदारी से बना आदर्श बस स्टेशन है, बनाया गया है। इस रेलवे बजट में देश के 1000 से भी अधिक रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने का आयोजन है, तो मैं रेल मंत्री जी को अनुरोध करती हूँ कि वह वडोदरा के आदर्श रेलवे स्टेशन स्कीम में शामिल करें। तीसरा, बजट में सैटेलाइट रेलवे टर्मिनल के विकास का प्रस्ताव भी है, तो मैं रेलवे मंत्री जी को अनुरोध करती हूं कि बड़ौदा के रेल विभाग के मकरपुरा, बाजवा, विश्वामित्री और छायापुरी रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट रेलवे टर्मिनल के रूप में विकास करें। देश के प्रधानमंत्री जी जब मोदी जी बड़ौदा और वाराणसी दोनों लोकसभा सीटों से विजयी हुए थे, तो मेरा रेलवे मंत्री से निवेदन है कि वडोदरा से वाराणसी तक एक खास ट्रेन चलाने जाने की दिशा में पहल करें। बड़ौदा रेलवे विभाग पश्चिम रेलवे के कुछ फेट परिचालन लोडिंग के 21% तक योगदान देता है बड़ौदा। अदरवाइज यू कैन नॉट। क्या करें? मैं धन्यवाद देती हूँ।